हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अभिमन्यु आईएएस। सो टारगेट आईएएस 2021 में आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया ढंग से ये सेशंस को कंटिन्यूटी से देख रहे होंगे, क्योंकि ये सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस 2021 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं। और बात करें करंट अफेयर्स की, तो हम लोग इन्हीं सेशंस के अंदर मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स को बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड मैनर से यहाँ पे कवर अप किया जा रहा है। ये करंट अफेयर्स मोर देन वन ईयर के हैं, मोर देन वन ईयर के आप लोग 70 डेज के अंदर कवर अप कर लेंगे, यानी कि बिफोर द प्रीलिम्स ऑफ 2021 हमारा ये सेशन बहुत ही बढ़िया ढंग से कवर अप हो जाएगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहें, क्योंकि करंट अफेयर्स में मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा और ये सेशन देखने के बाद आपकी करंट अफेयर्स में जो भी प्रॉब्लम रहती है ना, वो 99% आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अभी तक की हमने 33 लेक्चर्स को अटेंड किया है, जिसके अंदर हमने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त को कवर अप कर लिया है। और बात करें तो सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स को अब हमने कॉन्टिन्यूटी में रखा हुआ है। हमारा 31st, 32nd, 33rd लेक्चर सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स पे बेसिस पे रहा है और आज हमारा 33rd लेक्चर भी स्टूडेंट्स सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही रहने वाला है। तो अगर मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूं तो मायसेल्फ कनम अग्रवाल, I am the current affair mentor in the Abhimanyu IAS। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना ये सेशन। तो लीजिए, हमारी आज की सबसे पहली न्यूज रहती है इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डायलॉग। तो इसको लेकर जो ट्राइलेटरल डायलॉग हुआ वो हम लोग आज डिस्कस करते हैं और ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी GS पेपर 2 के लिए। क्लियर? तो लीजिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा कि ट्राइलेटरल की बात कर ली तो मतलब तीन कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगी, तो कौन कौन सी हैं? भारत हो गया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस हेल्ड अ डायलॉग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार हुआ है अंडर अ ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क। तो द थ्री साइड्स हैव एग्रीड, तो तीनों तरफ से एग्रीमेंट हुआ या मान लो कि समझौता हो चुका है to hold the dialogue on an annual basis। तो ये हर साल ये trilateral dialogue रहा करेगा, किसके बीच में? भारत के बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में और फ्रांस के बीच में। क्लियर? इवन अगर यहाँ पे लिखा जाए कि enhancing the cooperation in the Indo-Pacific region। अब students, what do you mean by Indo-Pacific region? तो मैं directly बोल सकता हूँ कि इंडो-पैसिफिक रीजन बेसिकली वो जो इंडियन ओशन में है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डाटा ऐड ऑन करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है भारत को, भारत के ट्रेड को लेकर। इंडो-पैसिफिक की अगर बात की जाती है ना, तो भारत का ट्रेड, भारत का इंटरनेशनल रिलेशंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो पहले ये पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर इंडो-पैसिफिक रीजन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लेंगे। तो लिखा कि ऑस्ट्रेलिया अलॉन्ग विद द फ्रांस हैज एमर्ज्ड एज अ मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर इंडिया। इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रीलिम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ फ्रांस भी उभर के आए हैं मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए भारत के लिए। कहाँ पे? इन द इंडो पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन रीजन में। क्लियर? और अगर बात करें स्पेशली इन द मैरिटाइम डोमेन फॉर इंसान्स, अब यहाँ पे देखा जाए कि इंडो पैसिफिक रीजन यहाँ पे नंबर वन, इंडो पैसिफिक रीजन। जो स्टूडेंट मेरा पहली बार सेशन देख रहा है, मैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग हर एक न्यूज़ के अंदर ना कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा डाटा ऐड ऑन कर दिया जाए जो सिविल सर्विसेज परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो चीज़ आप लोग प्लीज़ ऐड ऑन कर लिया करो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, लीजिए यहां पे लिखते हैं इंडियन, सॉरी इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। तो देखिए आप लोग, नंबर वन यहां पे लिखा कि वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द
पॉपुलैरिटी ऑफ दिस टर्म? अरे कहने का भाव ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन इतना मशहूर फेमस क्यों है, क्योंकि पॉपुलैरिटी ऑफ दिस टर्म इज एन अंडरस्टैंडिंग दैट द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन आर अ लिंक्ड स्ट्रेटेजिक थिएटर। सो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ योर इंडो पैसिफिक रीजन। अरे कहने का भाव ये था कि ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, क्योंकि इंडियन ओशन और पैसिफिक रीजन का जो कॉम्बिनेशन है हमने उसको बोल दिया इंडो पैसिफिक रीजन। क्लियर है? आगे चला जाए तो यहां पे लिखा कि इंडिया हैज लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स विद बोथ द कंट्रीज। अरे ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ भारत के लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। तो क्या लिखा कि द लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स प्रोवाइड फॉर इजियर एक्सेस टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? इवन लिखा कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट कॉपरेशन, कि हालांकि इन तीनों देशों के बीच में एक सिग्निफिकेंट कॉपरेशन हो चुका है। अरे किस चीज को लेकर? इन द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फॉर द मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस। अरे इंपॉर्टेंट है, हमने लिखा ना कि मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस को लेकर इन तीनों देशों के बीच में एक कॉपरेशन हुआ ताकि ये एक्सचेंज कर सके इंफॉर्मेशन। तभी तो यहाँ पे लिखा गया था कि डायलॉग ऑन एन एनुअल बेसिस और ये ट्राइलेटरल रहेगा। बेसिकली मेजर क्या रखा गया यहाँ पे आपका? मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं तो यहां पे लिखा कि फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री। अब फ्रांस ऐसा पहला देश बन चुका है टू डिप्लॉय अ लाइसेंस ऑफिसर एट द इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। याद रखें, फ्रांस पहला देश बन चुका है जिसने डिप्लॉय किया लाइसेंस ऑफिसर्स को कहां पे? एट इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट टू इम्प्रूव मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स आप लोग फिर से यहाँ पे नोट करें, इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर क्या चीज है? तो यहां पे लिखा जाए तो इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर तो क्या चीज है? तो यहां पे लिखा गया, नंबर वन लिखा कि इट वॉज एस्टैब्लिश्ड विद द विजन ऑफ स्ट्रेंथनिंग, करना है हमें स्ट्रेंथनिंग द मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द रीजन। अरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ना हमें सिक्योरिटी को बढ़ाना है, तो वो चीज है यहां पे विद द विजन ऑफ मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द रीजन बाय बिल्डिंग। अरे क्या बनाना है? बाय बिल्डिंग अ कॉमन कोहेरेंट मैरिटाइम सिचुएशंस पिक्चर एंड एक्टिंग एज अ मैरिटाइम इंफॉर्मेशन हब। तो स्टूडेंट दिस इज योर अगेन बेसिक डेफिनेशन फॉर द, अरे किसके लिए है? फॉर द इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं तो यहां तक क्लियर है? अगर स्टूडेंट्स कोई डाउट है ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें। आगे लिखते हैं यहां पे कि इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट ज्वाइंट पेट्रोल विद फ्रांस। इंपॉर्टेंट, ये प्रिलिम पर्सपेक्टिव से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि भारत का ये पहली बार फर्स्ट ज्वाइंट पेट्रोल था फ्रांस के साथ इन द रीयूनियन आइलैंड विद, मतलब वेस्टर्न इंडियन ओशन इन द फेब्रवरी 2020। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए तो लिखा कि द ट्राइलेटरल कॉपरेशंस विद द हेल्प
टू टेक ऑन चाइनाज एग्रेसिव बिहेवियर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, फॉर एग्जाम्पल इन द साउथ चाइना सी, जैसे हमें देखने को मिला था चाइना का बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेचर, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए तो यहां पे लिखा कि दिस ट्राइलेटरल कॉपरेशन, तो ये जो ट्राइलेटरल कॉपरेशन है ये एक एडिशन है टू द क्वाड के लिए, याद रखें क्वाड के लिए। अरे क्वाड क्या है, जो भारत ने यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर मीटिंग की थी। यहां पे लिखा है ना कि ये ट्राइलेटरली, मैं ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं क्योंकि आप लोग ना ट्राइलेटरल को क्वाइलेटरल के साथ जोड़ रहे हो, मैं बोल रहा हूं ट्राइलेटरल को क्वाड के साथ जोड़ रहे हो। अरे कैसे, ट्राइलेटरल हो गया भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रांस और क्वाड हो गया भारत यूएसए जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो यहां पे इन दोनों मीटिंग्स के बीच में कॉपरेशन दिखाई गई है, क्लियर। आगे लिखा जाए तो यहां पे लिखा कि जो पॉसिबिलिटी है किसकी, एनहांसिंग द मैरिटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन, कि जो मैरिटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन को लेकर है बिटवीन थ्री कंट्रीज की, भारत हो गया फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया इन द इंडो पैसिफिक रीजन, क्लियर। यहां पे लिखा कि डेवलपमेंट होता है, अरे डेवलपमेंट होगा, कॉपरेशन होगा इन इंडो पैसिफिक रीजन। अरे वो कौन कौन से मुद्दे हैं जहां पे हमने बोल दिया कि डेवलपमेंट भी होना है कॉपरेशन भी होना है, वो होना है इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस के बीच में, वो होना है आपका कोएलिशंस फॉर द डिजास्टर्स रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में एंड द नीड फॉर द रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। अब स्टूडेंट्स यहां पे ना मैं फिर से प्रिलिम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं, और याद रखें कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड कोएलिशन फॉर द डिजास्टर्स रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप लोग यहां पे थोड़ा सा डाटा फिर से एड ऑन कीजिए, क्लियर है, तो बने रहें बस आप लोग मेरे साथ। यहां पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर वन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अरे ये क्या चीज है स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग नंबर वन, तो यहां पे लिखा गया कि इट वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। यहां पे इंपॉर्टेंस देखिए, अरे भारत के प्रधानमंत्री ने और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने मिलकर इसको लॉन्च किया था ऑन द 30th ऑफ नवंबर 2015 इन पेरिस, जो आपको फ्रांस में है, क्लियर है स्टूडेंट्स। यहां पे आप ये चीज ना डाटा, इस तरीके का डाटा थोड़ा सा लिख लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि नॉलेज इससे बढ़ती है। या क्या रहेगा कि अगर मेंस में हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ता है ना, तो आप लोग छोटा सा भी एक पैरा लिख सकते हो, एक लाइन लिख सकते हो, जिससे कि थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा एग्जामिनर को कि स्टूडेंट को कितना डेप्थ में नॉलेज है इस चीज का। और आगे अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो व्हाट डू यू मीन बाय सीडीआरआई, जो अभी हमने देखा है इसको, तो लिखा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रपोज्ड सीडीआरआई व्हिच विल एक्ट एज अ अब क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने प्रपोज किया था कि सीडीआरआई को बनाया जाए, जो एक्ट करेगा कन्वेइंग बॉडी के रूप में और पूल करेगा बेस्ट प्रैक्टिसेस को, ठीक है, एंड रिसोर्सेस को फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड फॉर reshaping the construction
ट्रांसपोर्टेशन, अरे आप लोग फोकस करें रीशेप कंस्ट्रक्शन को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, एनर्जी सेक्टर को लेकर, टेलीकम्युनिकेशन को लेकर स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे सेक्टर्स आ रहे हैं. एंड वाटर सो दैट बिल्डिंग इन दीज कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स फैक्टर्स इन नेचुरल कैटास्ट्रोफ्स. तो माई डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपकी हेल्प जरूर करूंगा. ये डेफिनेशन है बेसिकली CDRI का, कि कौन कौन से कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं जो CDRI उसमें मदद करेगा, और वो CDRI जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने प्रपोज किया था किसको लेकर आना चाहिए. क्लियर? बढ़े आगे. तो आगे लिखा कि कॉपरेशन ऑन द मैरिटाइम ग्लोबल कॉमन्स, इट इंक्लूड ब्लू इकोनॉमी, मैरिटाइम बायोडाइवर्सिटी एंड द एनवायरमेंटल चैलेंजेस सच एज अ मैरिटाइम पॉल्यूशन. इंपॉर्टेंट है फिर से, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं. यहां पे लिख दिया कि प्रैक्टिकल कॉपरेशन, अरे प्रैक्टिकली कॉपरेशन किस किस के अंदर, जैसा कि ट्राइलेटरल एंड रीजनल लेवल पे, इंक्लूडिंग थ्रू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. वो कौन कौन सी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं माय डियर स्टूडेंट, सच एज और असीन, जिसको बोल दिया जाता है कि एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. क्लियर? और एक आएगा IORA, यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एंड द इंडियन ओशन कमीशन. अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को नॉलेज है असीन की, आप लोगों ने देख लिया इंडियन ओशन कमीशन, क्योंकि हमने ये पिछले करंट अफेयर्स में कवरअप किया है. और अगर बात करें इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के लिए, तो आप लोग उसके लिए डाटा थोड़ा सा ऐड ऑन कर लें, क्योंकि ना कभी कभी ऐसी न्यूज आ जाती है जिसमें डाटा कुछ ज्यादा ही ऐड ऑन होता है, जैसा कि आज आपकी सबसे पहली ही न्यूज आ रही है. तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, अरे ये क्या चीज है, देखिए आप लोग. नंबर वन, तो यहां पर लिखा कि इट वॉज ये 1997 में इसको बनाया गया था. एंड एज अ रीजनल फर्म दैट सीक्स टू बिल्ड एंड एक्सपैंड understanding and mutually beneficial लिख सकते हैं corporations. through a consensus based evolutionary and non-intrusive approach. तो students, कोई doubt? This is your Indian Ocean Rim Association. ये एक ऐसा association है जो 1997 में बनाया गया था, संगठित किया गया था, और किस firm में? कहते एक regional firm है जो देखती है और बनाती है, और वो बनाएगी और expand भी करेगी understand and the mutual beneficial cooperations के आधार पे. किस तरीके से? थ्रू अ कंसेंसस बेस्ड एवोल्यूशनरी एंड द नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रोच. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. तो आगे लिखा कि ये रहा आपका इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि यहां पे इंडियन ओशन, यहां पे पैसिफिक ओशन, तो एक रीजन बन गया, ठीक है ना? तो यहां पे लिखा द इंक्रीज्ड सेलियंस ऑफ द रेजिलियंट एंड रिलायबल सप्लाई चेन्स, की लिखा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान रिसेंटली इंक्ड एन इनिशिएटिव. तो इन तीनों देशों ने मिलकर अभी अभी एक इनिशिएटिव लिया
कि बनाना है हमें रेजिलियंट सप्लाई चेन विच इज नेम्ड एज अ सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव. मैं ये प्रिलिम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे बोलता हूं. अरे याद रखिए, भारत ने मिलकर, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर, जापान ने मिलकर एक फूड चेन के लिए, सॉरी सप्लाई चेन, नॉट फूड, इट्स सप्लाई चेन के लिए एक क्या बना दिया, SCRI, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव बनाया है. याद रखें, कहते फ्रांस में ज्वाइन दिस इनिशिएटिव टू. लगता है कि फ्रांस भी इसी इनिशिएटिव को ज्वाइन करेगा, कोई डाउट तो नहीं है. आगे बढ़े, ठीक है, हमारी नेक्स्ट यहां पे देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है. हमने न्यूज को तो पढ़ लिया, अरे इसका हमें इंपॉर्टेंस क्या मिलेगा. तो लिखा गया कि 2018 में शंग्रीला डायलॉग, इंडिया हैड क्लियरली इंडिकेटेड, कि भारत ने वो डायलॉग के बीच में भारत ने क्लियरली दर्शा दिया गया था कि जो जियोलॉजिकल रीच है, इंडियन आइडिया ऑफ द इंडियन पैसिफिक विच स्टार्ट्स फ्रॉम द अफ्रीका टू द अमेरिका विच कवर बोथ इंडियन एंड द पैसिफिक ओशन इन द टेंडन विद दैट ऑफ द जापान. क्लियर. आगे देखते हैं, यहां पे लिखा कि इट इज अ वेरी रिच रीजन इन टर्म्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस. बिल्कुल ठीक है, अरे उसमें फिशरीज, ऑयल और गैस मिलता है, एज वेल एज मिनरल रिसोर्सेस. बिल्कुल करेक्ट. अगर ट्रेड को लेकर देखा जाए तो, अगर ट्रेड को लेकर हम लोग बात करें तो यहां पे लिखा ट्रेड ऑफ सम ऑफ द मेजर इकोनॉमीज. वो कौन कौन सी हैं, लाइक चाइना, जापान, कोरिया और वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स गोज थ्रू दिस रीजन. अगेन इंपॉर्टेंट, यहां पे ट्रेड को लेकर चाइना, जापान, कोरियन कंट्रीज और द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए की बात की गई है थ्रू दिस रीजन. कौन सा रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन की बात की है. ये इतना इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि चाइना और यूएसए को अगर देखा जाए तो मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में आती हैं आगे. बिल्कुल ठीक है ना. इवन लिखा कि अबाउट 50% ऑफ द इंडियन ट्रेड, अगर भारत की बात की जाए, भारत के ट्रेड की बात की जाए, 50% ट्रेड की इज कंडक्टेड थ्रू द साउथ चाइना सी. बिल्कुल ठीक है कि इंडिया हैज बीन वन ऑफ द मेजर प्लेयर इन द रीजन. भारत इन सभी में से सबसे बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि भारत का 50% ट्रेड साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है. कि लिखा इंडिया कंडक्ट मेनी नेवल एक्सरसाइजेस विद द यूनाइटेड स्टेट्स, कंट्रीज ऑफ असीन, जापान, कोरिया एंड द वियतनाम. क्लियर. अरे इसी तरीके से तो भारत एक्सरसाइज करता है ताकि उसके जो विदेशी मुल्कों से रिश्ते हैं वो सुधर जाएं, इंटरनेशनल रिलेशंस हमें हमारे और बढ़िया हो जाएं. क्लियर. तो लिखा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इंक्लूडिंग इंडिया वांट्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन. हालांकि जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिटी है जिसके अंदर आप भारत को भी इंक्लूड कर सकते हो, वो ये सारे के सारे चाहते हैं कि क्यों ना फ्रीडम हो जाए नेविगेशन को लेकर, समुद्र को लेकर, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट्स इन द रीजन. क्लियर. इंपॉर्टेंट है, ये एक उनका अचीवमेंट है, जो गोल है. शायद ये गोल को लेकर कोई ना कोई फ्यूचर में कुछ ऐसा आ जाए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. तो हमारी आज की सेकेंड न्यूज रहेगी पेडिस्टबल यूज बाय द पेडा, और ये आपकी इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के लिए एंड जीएस पेपर 3 के लिए. मैं शुरू करने जा रहा हूं कि पेडिस्टबल यूज बाय द पेडा. तो ये है क्या चीज, देखिए यहां पे लिखा कि द पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी. कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा कि भारत की जो, सॉरी पंजाब की, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है पेडा, इज द एसोसिएशन विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव. इंपॉर्टेंट है जी, हालांकि ये सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बट आपके स्टेट सर्विसेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है. उन्होंने क्रिएट किया एक ऑल्टरनेटिव तरीका फॉर द पेडी स्टबल यूटिलाइजेशन. क्लियर है, जो हमने देखा था कि स्टबल बर्निंग के ऊपर भी हमने आज से 3 दिन पहले न्यूज पढ़ी है. क्लियर है ना. तो पंजाब का एक एजेंसी है, दैट इज और पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी. तो जिन्होंने ऑल्टरनेट निकाल दिया कि पेडी को स्टबल यूटिलाइजेशन पे, कि एक और भी तरीका है. अरे वो क्या है, जिसके अंदर इंक्लूड किया गया कि बायोमास पावर प्लांट लगा सकते हैं हम लोग और बना सकते हैं बायो सी एन जी, कंप्रेस नेचुरल गैस फ्रॉम द पेडी स्टबल बायोमास. क्लियर.
सो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग बोल देते हो ना क्लीन एनर्जी. क्लियर? इवन लिखा कि जो आपका बायोमास पावर प्लांट है, फोकस कीजिएगा, बायोमास पावर प्लांट पेडा को लेकर हैज सेटअप 11 बायोमास पावर प्लांट्स, वेयर, जहां पे 11 बायोमास पावर प्लांट पे 11 की बात कर रहा हूं कि 97.50 मेगावाट्स ऑफ पावर इज जनरेटेड. तो इतना जनरेशन तो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया भारत के पंजाब राज्य ने. किस चीज को लेकर? स्टबल को लेकर, पेडी स्टबल को लेकर. इवन लिखा कि जो बायोगैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो क्या चीज है. 8 प्रोजेक्ट्स ऑफ द बायो सीएनजी आर अंडर एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूशन इन द स्टेट. बिल्कुल ठीक है कि इसी तरीके के बायो सीएनजी बनाने वाले प्लांट्स 8 अभी और एग्जीक्यूशन में है भारत पंजाब की. तो लिखा दीज विल नीड अराउंड 3 लाख मेट्रिक टन ऑफ पेडी स्टबल एनुअली. तो 3 लाख मेट्रिक टन हमें स्टबल चाहिए होगा पेडी का हर साल. तो लिखा कि इंडियाज लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्रोजेक्ट विच विल प्रोड्यूस 8,000 मेट्रिक क्यूबिक बायोगैस पर डे. एक दिन के अंदर, याद रखिए, एक दिन के अंदर इज अंडर एग्जीक्यूशन एट द लहरा गागा तहसील इन द संगरूर डिस्ट्रिक्ट. द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन बाय द मार्च 2021. माई डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, प्रिलिम परस्पेक्टिव से ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ना कि आप लोग ये मेंस के अंदर भी लिख सकते हैं. अगर क्वेश्चन अराइज होता है ना, कि क्वेश्चन अराइज अगर होता है आपका पेरिस समिट को लेकर, क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी को लेकर, मैं बार बार बोलता हूँ, पेरिस एग्रीमेंट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी को लेकर, अगर प्रिलिम्स में कुछ भी या मेंस में कुछ भी एक्सपेक्टेशंस आते हैं ना, तो आप लोग ये इसका एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं कि भारत के स्टेप्स कहां तक जा रहे हैं लेकर रिगार्डिंग द रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. तो यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इंडिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्रोजेक्ट जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज के अंदर लगने, सॉरी तहसील के अंदर लगने जा रहे हैं, दैट इज योर लहरा गागा. क्लियर? इवन लिखा कि बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट क्या है. अ बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट ऑफ 100 किलोलीटर्स इज बीइंग सेट अप एट द तलवंडी साबो इन बठिंडा. अगेन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये प्रिलिम्स प्लस मेंस को लेकर, प्रिलिम प्लस मेंस को लेकर याद रखें, ये आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टूडेंट्स. सॉरी, जस्ट सेकेंड, क्लियर है यहां तक? कहते दिस विल रिक्वायर 2 लाख मेट्रिक टन ऑफ पेडी स्टबल एनुअली. क्लियर? आगे बढ़े. नेक्स्ट आया यहां पे कि आफ्टर कमीशनिंग ऑफ ऑल दीज प्रोजेक्ट्स. अब ये कमीशन करने के बाद ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, कहते पंजाब विल एबल टू यूटिलाइज 1.5 मिलियन टन ऑफ पेडी स्टबल. तो कितना आ गया? 7% ऑफ द टोटल. क्लियर? इवन लिखा कि जो फार्मर्स की इनकम है, कहते फार्मर कैन बेनिफिट ह्यूजली इफ दे कैन सेल पेडी. अब इससे इंपॉर्टेंट लिखता हूं कि जो भारत के अंदर, पंजाब राज्य के अंदर हमने इतने प्रोजेक्ट्स को कमीशन किया, इससे किसान का क्या बेनिफिशियल होगा. तो बोलते हैं कि जो फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि वो जो उसकी पेडी की स्टबल पड़ी है वो बेच देगा टू द इंडस्ट्रीज इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट. क्लियर? तो लिखा कि एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या रहेंगे. इट विल रिड्यूस द पॉल्यूशन कॉज बाय द स्टबल बर्निंग एंड ऑल्सो प्रिजर्व द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विच इज लॉस्ट ड्यू टू द बर्निंग पैडी स्टबल. इंपॉर्टेंट है फिर से. बड़े आगे. अब आगे लिखा गया कि एंटरप्रेन्योरशिप में द यूथ, पर्टिकुलरली इंजीनियर्स, ग्रेजुएट्स इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन स्टार्ट सच प्रोजेक्ट्स अंडर द स्टार्टअप कंसेप्ट विच विल क्रिएट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग देम. क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की तो बात कर ली, अब एम्प्लॉयमेंट की भी बात करें तो लिखा गया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन द रूरल पंजाब वर सच प्रोजेक्ट्स विल बी सेटअप कैन गेट बिग जॉब्स अपॉर्चुनिटी. क्लियर है? तो ये हर तरीके से मददगार रहेगा हमारे लिए. तो बड़े आगे आगे देखते हैं. तो क्या चीज है स्टबल बर्निंग के तहत? तो यहां पे लिखे कि गुड स्टार्ट बट अ लॉन्ग वे टू गो.
यहां पे लिखा एरिया अंडर द हैप्पी सीडर्स पंजाब एंड हरियाणा में कि दैट्स 1.7% ऑफ द एरिया अंडर द राइस वीट सिस्टम इन पंजाब हरियाणा वीट। ठीक है, तो यहां पे आप लोग सबल बनने का कंसेप्ट देख सकते हो। बर्निंग इश्यूज कितने आ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर 33.9 मेट्रिक टन का, और रेजिड्यू बर्न 23 का है, पंजाब में 22 का आ रहा है, हरियाणा में 7.5 का आ रहा है, सॉरी मिलियन टन नॉट मेट्रिक, इट्स अ मिलियन टन। क्लियर है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। तो आगे देखते हैं, लिखा कि अबाउट 20 मिलियन टन्स ऑफ पेडी स्टबल या फिर आप बोल सकते हो पेडी क्रॉप रेजिड्यू जनरेट किया जाता है पंजाब के अंदर हर साल। याद रखें ये डाटा है कि लेस देन 5% इज बीइंग यूटिलाइज, और अगर इतने में से सिर्फ 5% ही पेडी स्टबल को यूटिलाइज किया जाता है बायोगैस बनाने में, बायोमास पावर जनरेशन में और अदर एनवायरमेंट फ्रेंडली यूजेस में। कहते द मेन मोड ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दिस स्टबल बर्निंग इज स्टबल बर्निंग। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। यहां पे लिखा कि जो आपका स्टबल बर्निंग है इज अ मेजर कॉज, अरे ये सबसे बड़ा कारण बन चुका है और सोचने पे भी मजबूर कर दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट एंड द हेल्थ रीजन। क्योंकि स्टबल बर्निंग करने के कारण सबसे बड़ा डिजीज क्या आ रहा है उभर के? अस्थमा। और ये अगर अस्थमा की बात कर ली तो ट्यूबरक्लोसिस को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा देगा, जिससे कि भारत का जो 2025 का मिशन है कि इंडिया विल फ्री फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस बाय द 2025, उसको भी एक बैरियर के रूप में देखा जा सकता है आपकी स्टबल बर्निंग को लेकर। ठीक है ना, तो लिखा कि द बर्निंग ऑफ द स्टबल रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी, बिल्कुल ठीक है, हालांकि खेत की मिट्टी की फर्टिलिटी को डिक्लाइन कर देगा बिसाइड पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। अगर हम लोग एनवायरनमेंट को सोचना भी एक तरफ बंद कर दें तब भी ये हार्मफुल है, क्योंकि ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्लाइन कर रहा है डे बाय डे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म मैकेनाइजेशन फॉर इन सेतु मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप रेसिड्यू के अंतर्गत क्या है, लिखा कि इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये एक भारतीय सरकार के द्वारा शुरू की गई स्कीम है दैट वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों? टू टैकल द एयर पॉल्यूशन, हमें हवा के पॉल्यूशन को रोकना है, और टू सब्सिडाइज मशीनरी रिक्वायर फॉर इनसीटू मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप रेजिड्यूज इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश एंड द एनसीटी ऑफ द दिल्ली। कोई डाउट तो नहीं है, अगेन इंपॉर्टेंट, ये आप मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रखें कि भारत सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए ये पॉल्यूशन को रोकने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है उसको रोकने के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि स्टेप्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन 2.2 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्वल इन टू द 25,365 गीगा पर ईयर बना सकते हैं हम लोग। तो ये है डाटा आपका, एक बार इसको भी गो थ्रू कीजिएगा स्टूडेंट्स। आगे लिखा कि जो पंजाब सरकार है वो प्रोवाइड करते 74,000 सब्सिडाइज मशीन्स को, जो बोला गया सुपर एसएमएस। याद रखिए हैप्पी सीडर जिसका नाम है, याद रखें हैप्पी सीडर्स एंड द सुपर सीडर्स टू द फार्मर्स फॉर द स्टबल मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट। क्लियर, इवन लिखा कि द गवर्नमेंट मस्ट हेल्प द यूथ इन सेटिंग स्टार्टअप फॉर द स्टबल यूटिलाइजेशन बाय गेटिंग सैंक्शन लोन्स एंड प्रोवाइडर मार्केटिंग। क्लियर है ना, आगे लिखा कि ज्वाइंट एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, अब मिलकर हमें एफर्ट्स को बनाना एफर्ट्स लगाने हैं। क्यों? ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट सेंटर इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द पब्लिक एंड द प्राइवेट पार्टनरशिप्स टू कंट्रोल ऑल द पंजाब स्टबल इन टू द फार्मर्स इनकम। कहते स्टबल बेस्ड प्रोजेक्ट कैन सेटअप एट द ब्लॉक लेवल टू मैनेज द स्टबल ऑफ दैट ब्लॉक। मतलब हमें ना जमीनी स्तर पर काम शुरू करना होगा फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, मैं बोल रहा हूँ ग्रास रूट लेवल। अरे अगर आप लोग एक ब्लॉक के अंदर ये स्कीम को लॉन्च करोगे तो वो ब्लॉक के अंदर जितने भी किसान हैं वो स्टबल बर्निंग को करना कम कर देंगे, तभी तो हम लोग बड़े स्तर पर जाकर अचीवमेंट कर पाएंगे। तो ये होता है एक मैनेजमेंट, एक स्कीम को मैनेज करना, मॉनिटर करना, जो मैं हर बार आपको बोलता हूँ, वो चीज़ आप लोग लिख सकते हो अपने पेपर में। इवन लिखा एन एक्सपेंशन ऑफ दिस स्कीम लाइक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मनरेगा के तहत भी,
कि फॉर हार्वेस्टिंग एंड कॉम्पोजिटिंग ऑफ द स्टबल विल हेल्प. अब ये हेल्प कर सकता है टू रिजॉल्व द ड्यूअल प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द स्टबल बर्निंग. तो ये दोनों तरफ से मददगार रहेगा, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करा और दूसरा स्टबल बर्निंग को कम कर दिया. क्लियर. फिर आया एक साटा स्कीम, यानी कि सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, जिसको साटा स्कीम बोला गया. ये लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस. अगेन प्रिलिम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. कौन सा मंत्रालय सर? प्रिलिम्स एंड नेचुरल गैस स्टूडेंट्स मंत्रालय आ गया कि इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था लेकर आने का? ताकि पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके फ्रॉम बर्निंग ऑफ द एग्रीकल्चरल ऑर्गेनिक वेस्ट एंड यूटिलाइज मोर देन 62 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट जनरेटेड एवरी ईयर इन इंडिया. क्लियर है? बढ़े आगे. तो हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज रहेगी स्टूडेंट्स इन्फ्लेशन डाटा अगस्त 2020 की रिपोर्ट को देखना, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 3 के लिए. शेल वी स्टार्ट? क्या मैं शुरू कर सकता हूं इसको? तो ठीक है, अब देखते हैं यहां पे. तो क्या लिखा है यहां पे? लिखा कि जो इन्फ्लेशन डाटा है, मतलब महंगाई स्तर वाला डाटा, और कौन से महीने का? फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 वाज रिलीज. अब जाकर रिलीज हुआ. लिखा कि जो इन्फ्लेशन डाटा है, महंगाई वाला डाटा, उसके अंदर क्या इंक्लूड किया गया? रिटेल इन्फ्लेशन, सॉरी इन्फ्लेशन एंड द होलसेल इन्फ्लेशन. मतलब जो रिटेल बेसिस पे रहता है और होलसेल बेसिस पे महंगाई दर को हमने देखा है, और ये रहेगा अगस्त 2020 के मंथ का डाटा. क्लियर. और लिखते क्या है कि जो द रिटेल इन्फ्लेशन है, याद रखें रिटेल इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. प्रिलिम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हालांकि है तो बेसिक बट डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा. माय डियर स्टूडेंट्स याद रखें ये कंसेप्ट को. ठीक है, पढ़ते हैं यहां पे. तो क्या है लिखा कि जो द होलसेल प्राइस बेस इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द होलसेल प्राइस इंडेक्स. याद रखें हालांकि है तो बहुत ही बेसिक. यहां पे लिख दिया ना कि रिटेल इन्फ्लेशन है जो, वो कौन मेजर कर रहा है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. एंड व्हाट अबाउट योर होलसेल इन्फ्लेशन? वो कौन करेगा? होलसेल प्राइस इंडेक्स. ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखो आप लोग, यहां पे मेंशनड भी है. क्लियर. अब व्हाट डू यू मीन बाय रिटेल इन्फ्लेशन? की जो रिटेल पे हम लोग सामान लेते हैं वो महंगाई क्या चीज है, अगर एक लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो सुने ध्यान से आप लोग और समझें कि लिखा कि जो द रिटेल इन्फ्लेशन है, ग्रोथ डिस्पोज टू द 6.69% इन द मंथ ऑफ अगस्त. अरे 6.69% का डिप हुआ अगस्त के महीने में, और अगर बात की जाए इससे पहले महीने का, कंपैरिजन किया जाए 2020 सन का ही ईयर का, तो वो था 6.73% इन द जुलाई 2020. ये चीज को थोड़ा सा आप लोग अंडरलाइन कर लो क्योंकि डाटा क्रूशियल रहता है. हालांकि इतना भी डीपली नहीं पूछते बट अगर आप लोग लिख दोगे तो बेटर रहेगा, बेनिफिशियल ही मिलेगा. ठीक है, लिखा हाउएवर जो रिटेल इन्फ्लेशन है कंटिन्यू करता है टू ग्रो बियॉन्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियास अपर मार्जिन. कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, भारत का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अपर मार्जिन से ऊपर भी रिटेल इन्फ्लेशन कंटिन्यू कर रहा है, जा रहा है, ग्रो बियॉन्ड है अपर मार्जिन ऑफ द 6%. ठीक है, बिल्कुल, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपर मार्जिन हालांकि 6% था, इससे भी ऊपर रिटेल इन्फ्लेशन कंटिन्यू ऊपर जा रहा है. तो लिखा द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मैंडेट, तो इन्होंने क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक निर्देश दिए गए, जारी किया गया, टू कीप द इन्फ्लेशन विद इन द रेंज ऑफ 4-2% तक, प्लस माइनस हो सकता है. भारत सरकार ने निर्देश जारी कर दिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि भारत के अंदर जो महंगाई स्तर है वो रेंज रखा जाए 4-2% का, प्लस माइनस आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. क्लियर.
क्योंकि यहां पे देखा गया कि रिटेल इन्फ्लेशन 6% से ऊपर जा रहा है। तो द ग्रोथ इन द रिटेल, अब जो बढ़ोतरी हुई रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर, वॉज प्राइमरली ड्यू टू राइज इन द मीट एंड द फिश प्राइजेस। तो इसके पीछे का कारण था जो मीट और द फिश प्राइजेस को लेकर बढ़ोतरी हुई, दैट सॉ 16.50% ऑन द ईयर राइज इन द अगस्त। क्लियर? आगे लिखते हैं कि द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है जो आपका, और द इन्फ्लेशन इन द फूड बास्केट इज ऑन द 9.05% इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड इट वॉज 9.27% इन द जुलाई 2020। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, या फिर आपने इन्फ्लेशन महंगाई स्तर को देख लिया, वो था 9.05% अगस्त के महीने में, और जुलाई के महीने में था 9.27। अरे बढ़ रहा, सॉरी यहां पे थोड़ी सी कमी आई थी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलते हैं। और ये मंथ, सॉरी ईयर था 2020 का। तो होलसेल इन्फ्लेशन क्या चीज है? तो लिखा गया कि जो होलसेल प्राइस बेस इन्फ्लेशन है वो रोज कर गया 0.16% का अगस्त के मंथ में, एज फूड आइटम्स एंड द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स टर्न्ड कॉस्टलियर। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? आगे लिखा जाए कि द होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है वॉज इन द नेगेटिव टेरिटरी फॉर द 4 स्ट्रेट मंथ्स, जिसके अंदर रहा आपका अप्रैल में -1.57%, मई में था -3.37%, जून में आ गया -1.81% का, एंड जुलाई में आ चुका है आपका -0.58% का। स्टूडेंट्स क्लियर? आगे बढ़े तो यहां पे आगे लिखा कि जो महंगाई स्तर है फूड आर्टिकल्स को लेकर अगस्त 2020 के मंथ में वो कहां पे था, एट 3.84%। हाउएवर फ्यूल की बात कर लो, पावर इन्फ्लेशन की बात कर लो, वो गिर गया था 9.68% उसी अगस्त 2020 के मंथ में। क्लियर? आगे बढ़े। अब इन्फ्लेशन क्या चीज है, एक बेसिक डेफिनेशन है इसका, जिसको बोलते हैं महंगाई स्तर। तो लिखा कि इन्फ्लेशन रेफर्स टू, कि इन्फ्लेशन रेफर करता है राइज इन द प्राइसेस, कीमतों को बढ़ना, ऑफ मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ज्यादातर वो गुड्स और सर्विसेज जो ज्यादातर यूज में रहती हैं, अगर उसके दाम बढ़ गए तो हमने बोल दिया इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन आ गया। ऑफ डेली और द कॉमन यूज, जो डेली बेसिस पे हमें यूज करने को दिखता है, मिलता है, लाइक फूड, क्लॉदिंग, हाउसिंग, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर स्टेपल्स। तो ये आ गया आपका स्टेपल्स, सॉरी इन्फ्लेशन, अगर इस इन चीजों के दाम बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन मेजर द एवरेज प्राइस चेंज इन द बास्केट ऑफ कॉमोडिटीज एंड द सर्विस ओवर टाइम। बेसिक है अगेन। इवन इन्फ्लेशन क्या चीज है, कहते इन्फ्लेशन इज इंडिकेटिव, वो दर्शाता है किस चीज को, कि डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर। बिल्कुल ठीक है ना, अगर महंगाई स्तर बढ़ गया तो वो चीज जो कंज्यूम हो रही थी डेली बेसिस पे, एक किलो, लेट से एग्जांपल, एक किलो डेली बेसिस पे कंज्यूम हो रही थी, अब महंगाई हो चुकी है, वो एक किलो कंज्यूम होने के बजाय मार्केट में सिर्फ आधा किलो की बिक्री हो रही है, तो क्या हो गया, सिटीजन की, इंसान की जो परचेजिंग पावर थी वो कम हो गई, क्योंकि उसकी आमदन तो उतनी है ना। तो यहीं पर तो लिखा कि इन्फ्लेशन आने के कारण वो क्या चीज दिखाते हैं, परचेजिंग पावर कम हो गई ऑफ अ यूनिट ऑफ कंट्रीज करेंसी। बिल्कुल ठीक है। कहते दिस कुड अल्टीमेटली लीड टू अ डिक्लेरेशन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर 100 रुपए में मैं एक चीज लेकर आता था 1 kg, अब इसके प्राइसेस बढ़ गए, तो मैं यही 100 रुपए में ये लेकर आ रहा हूं 750 grams, तो आप लोग देख लो मुझे 250 ग्राम्स का क्या होगा, लॉस हो गया। तो आप ये बोल सकते हो कि परचेजिंग पावर कम हो गई, कहीं पे तो मेरा 1 किलो आ रहा था, अब मेरा 750 ग्राम आ रहा है, तो करेंसी तो वही रही पर करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो गई ना ड्यू टू इन्फ्लेशन। ये चीज बोली गई है, ये मेथड है, हमने प्रैक्टिकली भी देखा होगा इसको। तो हाउएवर
a moderate level of inflation is required in the economy to ensure that production is promoted. Clear? Likha. Bharat ke andar inflation is primarily measured by the two main indices. Important hai. Prelim perspective ko likar. कि भारत के अंदर ना हम लोग महंगाई स्तर को किस तरीके से मेजर करते हैं, उसके दो मेथड हैं और वो कौन कौन से स्टूडेंट्स. एक तो आ गया आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको आपने WPI बोल दिया. एक आ गया CPI, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. कहते हैं विच मेजर होलसेल एंड द रिटेल लेवल प्राइस चेंजेस रिस्पेक्टिवली. क्लियर है? आगे बढ़े तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या चीज है? देखिए यहां पे लिखा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो चीज मेजर करता है प्राइसेस को जो चेंज होते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिटेल बायर्स. क्लियर? इवन इट इज रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस. नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ये रिलीज किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. आगे लिखा कि जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो कैलकुलेट करेगा डिफरेंस को, वो अंतर को. कौन सा अंतर? जो आया प्राइस ऑफ द कॉमोडिटीज के अंतर्गत एंड द सर्विसेज के अंतर्गत. याद रखें जो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी और सर्विसेज के अंतर्गत जो डिफरेंस आ गया वो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है. और वो है एग्जाम्पल फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स विच इंडियन कंज्यूमर्स बाय फॉर द यूज. अगेन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं. यहां पे लिखा जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है हैज सेवरल सब ग्रुप्स. इसके आगे भी सब ग्रुप्स हैं, याद रखेगा ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है. इंक्लूडिंग फूड बेवरेजेस, फ्यूल, लाइट, हाउसिंग, क्लोथिंग, बेडिंग एंड द फुटवेयर्स. अब ऐसे कौन कौन से CPIs के सब ग्रुप्स हैं? एक तो आ गया आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स. फिर आया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द एग्रीकल्चरल लेबरर. फिर आता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रूरल लेबरर. एंड देन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रूरल या फिर अर्बन या फिर कंबाइंड बोथ. ये चीजें आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा करो स्टूडेंट्स. इसी तरीके का डाटा हमें नॉलेज देता है और हमारे एग्जाम क्रैक करवाने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं. क्लियर है ना? ये मेंस के लिए काफी क्रूशियल डाटा है आपका. आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज को. सॉरी अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं. अब होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या चीज है? लिखा कि जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना वो मेजर करता है चेंजेस को. फिर से जो पैसे के अंदर, सॉरी जो चेंजेस आए किसके अंदर? प्राइस ऑफ गुड सोल्ड एंड ट्रेडेड इन द बल्क. याद रखें प्राइस किसकी? जो सामान बिकेगा. और ट्रेडेड इन द बल्क बाय द होलसेल बिजनेस टू द अदर बिजनेस. क्लियर? अब जैसा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिलीज किया जाता था नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, सिमिलरली जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसको पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरीज, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत, पब्लिश बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरीज. और ये कौन सा मंत्रालय है? ये है मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके अंतर्गत आता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी जो जारी करेगा होलसेल प्राइस इंडेक्स. क्लियर? लिखा कि इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर इन इंडिया. क्लियर? अगर मैं बात करूं मेजर क्रिटिसिज्म की, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया इस इंडेक्स को लेकर, दैट जनरल पब्लिक डज नॉट बाय प्रोडक्ट्स एट द होलसेल प्राइस. क्योंकि जनरल पब्लिक ना कभी होलसेल प्राइस पे परचेज करती नहीं है, वो हम तो रिटेल पे करते हैं. लिखा द बेस ईयर ऑफ ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स हैज बीन रिवाइव्ड फ्रॉम 2004 से 5 से लेकर 2011 से 12 इन 2017. क्लियर है? आगे बढ़े हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज को देख लेते हैं. सो स्टूडेंट्स हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज रहेगी मिथेन हाइड्रेट्स इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन. स्टूडेंट्स याद रखें कृष्णा गोदावरी बेसिन आपका साउथ इंडिया में पेनिनसुलर में मिल जाएगा, क्योंकि गोदावरी नदी भारत की, साउथ इंडिया की दक्षिण गंगा बोला गया है.
कृष्णा नदी भी साउथ में ही बहती है। क्लियर, शुरू करें। और ये आपके लिए न्यूज इंपॉर्टेंट रहेगी जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3 के लिए। लीजिए शुरू करते हैं। तो यहां पे लिखा कि अ स्टडी ऑन द बायोजेनिक मिथेन हाइड्रेट्स इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन। क्लियर है। और ये कंडक्ट किया गया, कंडक्टेड बाय द रिसर्चर्स एट द अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। इंपॉर्टेंट है, अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च किया गया। ये क्या चीज है अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूशन की ARI? ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखें, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय बायोजेनिक मिथेन, जो अभी हमने यहां पे डिस्कस किया, जो स्टडी किया गया बाय द अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो बायोजेनिक मिथेन क्या चीज है स्टूडेंट्स, देखें। कहते इट इज द मिथेन प्रोड्यूस फ्रॉम द कंसेप्ट है, याद रखें, एक मिनट, यहां पे लिखा कि ये एक ऐसा मिथेन प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इंपॉर्टेंट, हमने मिथेन यानी कि CH4 को बनाया। बायोजेनिक मिथेन क्या है, एक मिथेन बनाने का जरिया कहां से, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये है बायोजेनिक मिथेन आपका। इवन लिखा द रिसर्च टीम जो ARI के द्वारा है हैज आइडेंटिफाइड द मिथेनोजेन जेन्स, ठीक, दैट प्रोड्यूस बायोजेनिक मिथेन ट्रैप्ड एज अ मिथेन हाइड्रेट्स विच कैन बी सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स आपको यहां पे, आगे चलें। हमारा आगे आता है मिथेनोजेन्स क्या चीज है। कहते दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूस करते हैं मिथेन को एज अ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट इन द हाइपोक्सिक, सॉरी क्लियरेक्ट, हाइपोक्सिक है, मतलब हाइपोक्सिक मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। तो आपकी ARI टीम जो भारत सरकार के द्वारा है हैज डॉक्यूमेंटेड, इनके द्वारा क्या लिखा गया कि अ प्रीडोमिनेंस ऑफ द जीनस मिथेनो सार्सकिना इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन फॉलोड बाय अ फ्यू अदर जनरल मिथेनोलियशियस सॉरी मिथेनोक्लियस एंड मेथानो बैक्टीरियम। इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट लिखी गई ARI के द्वारा जो रिसर्च की गई कृष्णा गोदावरी बेसिन में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे लिखा जो मिथेन के हाइड्रेट्स हैं इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर एंड द मिथेन गैस कंबाइन इन कॉन्टेक्ट। अगेन इंपॉर्टेंट, अरे मिथेनोहाइड्रेट कब बना, कब फॉर्म हुआ, जब हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर एंड द मिथेन गैस दोनों कॉन्टेक्ट में आएंगे एट हाई प्रेशर में एंड लो टेम्परेचर सच एज इन द ओशियंस। ज्यादा प्रेशर होगा समुद्र का ही और कम तापमान होगा। क्लियर, यहां पे लिखा ना हाई प्रेशर, तो समुद्र का ही हाई प्रेशर लिखा गया यहां पे। क्लियर, आगे लिखा ये रहा आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो क्या चीज है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा कि मिथेन इज अ क्लीन एंड इकोनॉमिकल फ्यूल, बिल्कुल। इवन इट इज एस्टिमेटेड दैट, अब ये अनुमान लगाया गया कि 1 cubic meter ऑफ मिथेन हाइड्रेट कंटेन 160 to 180 cubic meter ऑफ मिथेन। क्लियर, इवन यहां पे दिखा और दिखाया भी गया, ये स्टडी दिखाती है कि मैक्सिमम मिथेनोजेनिक डायवर्सिटी इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर जो है, जो मिली, विच इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन टू कंफर्म इज टू बी एक्सट्रीम सोर्स ऑफ बायोजेनिक मिथेन इन कंपेरिजन टू द अंडमान एंड द महानदी बेसिन। अगेन इंपॉर्टेंट, तो आपको यहां पर दिख गया कि ये कंपेरिजन अंडमान और महानदी बेसिन का भी करवाया गया यहां पर। क्लियर, यानी कि यहां पर भी प्रेजेंट है आपके,
ठीक है ना, बायोजेनिक मिथेन्स के सोर्स, ओके आगे बढ़ते हैं। तो लिखा इवन द लोएस्ट एस्टिमेट ऑफ द मिथेन प्रेजेंट इन द मिथेन हाइड्रेट्स इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन इज ट्वाइस, दोगुना है दैट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व्स अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। अगेन इंपॉर्टेंट, अरे वर्ल्ड वाइड का जिक्र कर लिया, यहां पे ट्वाइस देखने को मिल गया अगर हमने वर्ल्ड वाइड का कंपैरिजन कर लिया तो। आगे बढ़ते हैं, अब मिथेन हाइड्रेट्स क्या चीज है स्टूडेंट्स, देखिए यहां पे लिखा कि जो आपका मिथेन हाइड्रेट है इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट कंटेन ऑफ मिथेन मॉलिक्यूल्स सराउंडेड बाय अ केज ऑफ इंटरलॉकिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ये अभी हमने देख भी लिया था, ठीक है ना। लिखा गया कि जो आपके मिथेन हाइड्रेट्स हैं वो एक आइस है दैट कैन अकर नेचुरली इन द सब सरफेस डिपॉजिट, ये नेचुरली बनता है और समुद्र के नीचे वेयर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन कंडीशन फेवरेबल, टेम्परेचर कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा ये हमने पढ़ा था। अब इसको संभाल के रखना डिफिकल्ट है, क्यों कहते इफ द आइस इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस टेम्परेचर या फिर प्रेशर एनवायरमेंट इट बिकम अनस्टेबल फॉर दिस रीजन। अब इसको देखते हुए मिथेन हाइड्रेट डिपॉजिट्स आर डिफिकल्ट टू स्टडी एंड हैंडल, क्लियर, ये स्टेबल नहीं रहता तभी तो यहां पे इसकी स्टडी करना और इसको संभाल के रखने में प्रॉब्लम रहती है, दिक्कत आती है। लिखा कि दे कैन नॉट बी ड्रिल्ड, इसको ड्रिलिंग नहीं किया जा सकता एंड कोर्ड फॉर स्टडी लाइक अदर सब सरफेस मटीरियल्स बिकॉज दे आर ब्रॉट टू द सर्फेस द प्रेशर इज रिड्यूस एंड द टेम्परेचर राइजेस। अब आप लोग इसको जैसे समुद्र के नीचे से ऊपर लेकर आते हो तो प्रेशर कम हो गया, तापमान बढ़ गया तो ये अनस्टेबल हो गया, तो ये प्रॉब्लम है, तभी तो लिखा डिफिकल्ट टू हैंडल है, क्लियर। आगे चले, लिखा गया सेवरल अदर नेम्स आर कॉमनली यूज फॉर द मिथेन हाइड्रेट्स, जैसा कि मिथेन, क्लेथरेट, हाइड्रोमिथेन, मिथेन आइस, फायर आइस, नेचुरल गैस हाइड्रेट्स एंड द गाइस सॉरी गैस हाइड्रेट, क्लियर है यहां तक। आगे बढ़े, नेक्स्ट आया यहां पे कि कृष्णा गोदावरी बेसिन, उसको भी पढ़ लो, कहते एन एक्सटेंसिव डेल्टेक प्लेन है ये जो बनाया है टू लार्ज ईस्ट कोस्ट रिवर्स के द्वारा, मतलब ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स के द्वारा, वो है कृष्णा एंड गोदावरी, भारत के कौन से राज्य में, इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ बे ऑफ बंगाल इन विच दीज रिवर डिस्चार्ज देयर वॉटर इन नोन एज द कृष्णा गोदावरी बेसिन। स्टूडेंट्स क्लियर है, मतलब कृष्णा गोदावरी बेसिन का माउथ कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में है और आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी का कुछ हिस्सा लिया गया तभी तो बोल दिया कृष्णा गोदावरी बेसिन, क्लियर। ये ज्योग्राफी का बेसिक है और मैं आशा करूंगा कि आपको ये नॉलेज होगी यहाँ पे। तो लिखा कि जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है एक लार्ज बेसिन के रूप में है कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो लोकेट है ईस्ट कोस्ट ऑफ भारत में, कितना एरिया कवर अप कर रहा है 15,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का और ऑफशोर पार्ट कवर किया गया 25,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का अप टू 1,000 मीटर आइसोबैथ, क्लियर। नेक्स्ट लिखा द बेसिन कंटेन 5 किलोमीटर थिक सेडिमेंट्स, अरे 5 किलोमीटर तक की थिकनेस वाले सेडिमेंट्स यहां आपको देखने को मिलते हैं विद सेवरल साइकल्स ऑफ डेपोजिशंस रेंजिंग इन द एज फ्रॉम द लेट कार्बोनिफेरस टू द पैलेस्टाइन्स, ये टाइम पीरियड को दर्शाया गया यहां पे। तो इस साइट को क्या बोल दिया, D6 ब्लॉक, इंपॉर्टेंट है, विद द बिगेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स इन द इंडिया, द फर्स्ट गैस डिस्कवरी वॉज मेड इन 1983 बाय द ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इवन ये बेसिन घर भी है किसका, होम टू द ऑलिव रिडली सी टर्टल्स जो IUCN के द्वारा स्टेटस बोला गया वल्नरेबल, अगेन इंपॉर्टेंट, प्रिलिम परस्पेक्टिव से एंड मेंस परस्पेक्टिव से आपका दोनों सेकंड लास्ट और लास्ट पॉइंट यहां पे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आज तक का जैसे कि आप यहां पे देख भी रहे हैं न्यूज हमारे पास और भी बहुत पड़ी है बट हम लोग टाइम को देखते हुए आज का सेशन में यहीं तक एंड करता हूं। तो किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे साथ बने रहें क्योंकि हम लोग कॉन्टिन्यूटी में 70 डेज के अंदर हर एक मंथ को इसी तरीके से देखते जाएंगे, क्लियर है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।